मॉर्निंग एवरीवन, टाइम हुआ है अराउंड 11:30 आई थिंक, और जो बाइक लॉन्च होने वाली जिसके लिए हमें बुलाया गया था उसका जो टाइमिंग दिया था 10:30 का दिया था, और मैं क्या है सैटरडे होने की वजह से सो गया था तो बाहर नहीं जा सका अभी। आई जस्ट गॉट रेडी एंड अभी जा रहा हूँ। तो आप दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैंने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि हम क्यों आए यहाँ पे, मैं क्यों आया हूँ, और मेरे साथ एक इंसान और भी है, रोहित भाई। तो अभी आपको मैं बाइक दिखा देता हूँ, और बाइक कुछ ऐसी दिखती है, और हमारे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, ये सीट बेल्ट नहीं होता ये पकड़ने के लिए। सो बाइक आपको दिखा देता हूँ, और ये सेम लियोनसिनो 500 जैसी दिखती है आपको, और रोहित भाई ने सीट भी ओपन कर लिया है। तो इट इज़ ए सिंगल सीट, एंड सीट ज़्यादा लंबी नहीं है, और स्प्लिट वगैरह कुछ है नहीं। पुट इट बैक, वापस रखो भैया एक बार। तो आप देख सकते हैं सिंगल सीट है, राइडर की सीट जो थोड़ी नीचे है और पिलियन की थोड़ा सा ऊपर है। ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, बिकॉज ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी तो फिर अगर आप कभी हाईवे पे चले गए, लॉन्ग राइड आपने किया, तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसके सिस्टम कंसोल के बारे में। भैया स्टार्ट करो ना। तो ऐसा कुछ इसका दिखता है सिस्टम कंसोल, और मुझे अच्छा लगा इसका सिस्टम कंट्रोल। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी है, मतलब फ्यूल इकोनॉमी बोले तो ये फ्यूल इंडिकेशन है। राइट साइड में आपको हीट इंडिकेशन मिल जाएगा, यहाँ पे टैकोमीटर, और बाइक ऑलरेडी 10,000 किलोमीटर दिखा रही है ऑलरेडी चली हुई, और यहाँ पे गियर इंडिकेशन है, और नीचे यहाँ पे लियोनसिनो लिखा है। कैन यू प्रेस द बटन्स एंड ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड द टोटल ऑर्डर रीडिंग यू हैव इन किलोमीटर्स एंड इन माइल्स एंड यू हैव। सो ये आप देखोगे यहाँ पे किलोमीटर में 10,000 एंड यहाँ पे माइल्स में है, बट 10,000 किलोमीटर चलने के बाद में भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी मेंटेन की है बाइक। पता नहीं कैसे मेंटेन की है, मैं उनको पूछूंगा क्योंकि मुझे भी मेरी बाइक मेंटेन करनी है। और यहाँ पे आपको जो नॉर्मल हाई बीम का है, जो पेट्रोल का है, न्यूट्रल का है इंडिकेशन, बाकी वो सब हीट का, इंजन ऑयल का एंड ABS का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगी, देखो यू जस्ट नीड टू प्रेस दिस एंड पुट इट लाइक दिस, जब भी आपको बाइक स्टार्ट करनी है। तो आई लाइक दिस थिंग, और इग्निशन यहाँ पे है। और अब आपको इसकी दिखाता हूँ सामने की लाइट। तो लाइट आप देख सकते हैं लियोनसिनो के जैसी है, 500 के जैसी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये LED दी गई है, जो AHO का फीचर है, ऑलवेज हेडलाइट ऑन, और यहाँ पे लियोनसिनो बेनेली लिखा है। और ये बाइक जो कि जो हेडलाइट है वो स्प्लिट जैसी दिखती है, इंडिकेटर LED है, जितने भी लाइट्स आपको इस पे दिखते हैं दे ऑल आर LEDs। तो अब इसको कर देते हैं बंद, और बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। तो टायर्स मैजलर के दिए हैं, और दिखने में काफ़ी स्पोर्टी दिखता है एलॉय व्हील्स के साथ। और साइज़ की अगर बात करूँ तो साइज इज 110x70 17 inch टायर, एंड लेट मी टेल यू दिस कम्स विथ ड्यूल चैनल ABS एंड एलॉय व्हील्स है, ब्लैक्ड आउट एवरीथिंग। एंड देन अगर बात करें इसके फ्रंट ब्रेक की, तो 280mm का डिस्क आपको सिंगल डिस्क सामने मिलता है विथ ABS। आपको एक बार पीछे भी दिखा देता हूँ मैं। तो पीछे की तरफ हम आएंगे तो पीछे जो डिस्क ब्रेक है उसका साइज़ है 240mm, एंड पीछे भी आपको ABS मिलता है। सो दिस कम्स अप विथ ड्यूल चैनल ABS। एंड पीछे का जो टायर है उसका साइज़ है 150x60 17 inch ट्यूबलेस टायर एंड एलॉय व्हील्स एंड कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट एलॉय व्हील्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये भी मैजलर का आपको टायर दिया है, और पीछे नंबर प्लेट वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। और बात करते हैं इसकी टेल लाइट की, तो आप देख सकते हैं ये लियोनसिनो 500 में भी आपको यही टेल लाइट दी जाती है। लुक्स के मामले में बहुत अच्छी है, एंड आपको मैं स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा, ये ऑन करके दिखा दूंगा। तो एक बार की ऑन करते हैं इसकी, और फिर ब्रेक दबाते हैं। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल टेल लाइट है, और ये ब्रेक लाइट, और इंडिकेशन भी, इंडिकेटर भी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेशन एंड फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है। और अब बात करते हैं इसकी सीट के बारे में। तो सीट जो है ना वो सिंगल सीट है, एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्ट्रैप दिया गया है, सिंगल सीट है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। थोड़ा जो राइडर की सीट है वो थोड़ी नीचे है, और पिलियन की थोड़ा सा ऊपर है। और राइडर के बैठने के लिए फुट पेग्स आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहीं पे है, एग्जॉस्ट के एकदम से ऊपर, एंड एग्जॉस्ट के ऊपर हीट शील्ड आपको दिख रही होगी यहाँ पे। एंड अब बात करते हैं बाइक के सस्पेंशन के बारे में। तो आपको मैं सस्पेंशन दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे आप देखिए
तो यहाँ पे रियर सस्पेंशन है। तो रियर है जो सस्पेंशन, वो प्रीलोड एडजस्टेबल है एंड ये मोनोशॉक सस्पेंशन है। और सामने का सस्पेंशन है 41 mm का, तो मैं दिखा देता हूँ, ये है सस्पेंशन ऑफ 41 mm USD टेलीस्कोपिक फोक्स एंड काफ़ी अच्छा दिखती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ट्रैवल, शुड बी अराउंड 140 mm ट्रैवल एंड द थिकनेस इज 41 mm एंड वी हैव द लविंग सिंबल हियर एंड अगेन बाइक इज इन ड्यूल टोन ब्लैक एंड रेड एंड लियोन शिनो का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एंड बेनेली हियर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टैंक, दिस इज 12.5 liter टैंक, 12.5 liter का पेट्रोल टैंक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लियोन शिनो का नाम लिखा हुआ है। सो अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी गुड एंड हैंडल बार के ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। इंडिकेशन है, हाई बीम लो बीम है और हॉर्न का बटन है। सामने आपको पास का स्विच भी दिया गया है। और यहाँ पे आओगे तो ब्लैक्ड आउट हैंडल बार है, यहाँ पे आपको स्टार्ट करने का ऑप्शन है, ये आपको 4-way इंडिकेटर एंड ये इंजन कैल स्विच। और बात करते हैं ब्रेक लीवर की, तो ये एडजस्टेबल आपको मिलता है, 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स मिलते हैं, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। बट जो क्लच लीवर है वो एडजस्टेबल नहीं है, यहाँ पे भी बेनेली का नाम लिखा हुआ है तो ये थोड़ा एडजस्टेबल नहीं है। तो अब बात करते हैं इंजन के बारे में, ये इंजन है 249 cc का जिसका पावर है 25.8 PSI, इसका जो टॉर्क है वो है 21 Nm एट 8000 RPM एंड ये है फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर 4-stroke लिक्विड कूल्ड DOHC सेटअप है। एंड इवन इफ यू सी दी इंजन का जो हाउसिंग है दैट इज़ कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट। एंड फिर से आपको बता दूं ये लिक्विड कूल्ड इंजन है और एयर प्लस लिक्विड कूल्ड इंजन एंड दिस कम्स अप विद 6-speed ट्रांसमिशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा अलग ही दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बाइक 250 cc की सिंगल सिलेंडर है लेकिन जो प्रीमियम फील जो आती है वो आपको दिख जाती है, जैसे आपको बाइक आप बाइक को देखते हो तो प्रीमियम फील आपको दिख जाती है यहाँ पे। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड प्राइस मेरे हिसाब से ये बाइक का जो प्राइस है वो मेरे हिसाब से 2.99 lakhs मतलब ऑलमोस्ट 3 lakhs आपको ऑन रोड पड़ेगा हैदराबाद का। एंड अगेन दिस इज़ 249 cc इंजन एंड लुक्स के मामले में नथिंग कैन बीट द लुक्स ऑफ दिस बाइक एटलीस्ट इन 250 cc इंजन, लुक्स काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए लुक्स वाइज यू कैन बाई दिस एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द शोरूम आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, जस्ट द क्विक वॉक अराउंड, नथिंग एल्स, नॉट काइंड ऑफ रिव्यू। I just talked about the specifications and whenever they have the test ride, I'll make sure that you know I come here and test ride this weekend and share my reviews or share my experience of test ride with you all. And if you are coming on my channel for the very first time, please consider subscribing, and after subscribing please press that bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. So if you like this video, please press that like button. I'll see you in the next video. Bye bye.